देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो एक लेबोरेटरी थी जिसमें सबसे पहले जो बैक्टीरिया काउंट हुए ना किसी एक्सपेरिमेंट, वो हुए 5,06,000, 5,06,000 रुपीज़, 5,06,000। हाँ बैक्टीरिया इतने काउंट हो चुके हैं ना। अब बैक्टीरिया का जो रेट है वो बढ़ रहा है अपने पास 2.5% पर आवर से, हर घंटे 2.5% बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो बताइए दो दो घंटे बाद कितने बैक्टीरिया बढ़ेंगे। ऐसा मानिए इतना प्रिंसिपल था, इतना अमाउंट था आपके पास प्रिंसिपल, 2.5% रेट था उसका, और टाइम था आपके पास 2 ईयर का। तो अपन अमाउंट का फॉर्मूला लगा दें, तो अमाउंट क्या निकल के आता, पी प्लस 1 प्लस R/100 की पावर n। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5,06,000, इधर पे 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 की पावर क्या आ जाएगा, इधर पे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो इसको 0 तो 25 बन जाए, 25 40 जा 1000 होते हैं, तो कितना जाएगा 5,06,000, इधर पे आ जाएगा मेरे पास 40 प्लस 1 अपॉन 40 की पावर 2। तो यहाँ पे जाएगा 5,06,000, यहाँ पे आ जाएगा 41 अपॉन 40 का स्क्वायर, है ना, 41 अपॉन 40 का स्क्वायर। 41 अपॉन 40 का स्क्वायर को मैं दो बार लिख दूँ, हाँ दो बार लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई में लिखिएगा 41 अपॉन 40। तो 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, है ना। 4 से कट करके देखिए तो 4 बन जाए 4, बचा कितना 1 जीरो, तो 4 2 जा 8, बचा कितना 2, तो 4 4 4 4 5 जा 20 4 6 जा 24, और बचा कितना अपने पास, 2, 2 जीरो मिला के 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2 6 5, क्या जाएगा 1 2 6 5, ऊपर आएगा 41 इंटू 41, और नीचे आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5,31,61, क्या आएगा 5,31,616, है ना, 5,31,616 आएगा आपके पास, है ना, 0.25। इतने बैक्टीरिया आपके 2 घंटे बाद हो चुके हैं, और इसको अप्रॉक्सी लिखेंगे ऐसा, 0.25 का मतलब कुछ बैक्टीरिया का होता नहीं है, तो आप इसको अप्रॉक्सी लिख सकते हैं 5,31,617, क्या लिख सकते हैं 5,31,617, है ना। इतने बैक्टीरिया आपके पास आफ्टर टू आर 2 घंटे बाद आपके पास इतने बैक्टीरिया आ चुके हैं, जो पहले कितने थे 5,60,000 थे, 5,06,000 थे, तो अब हो चुके हैं 5,31,617 बैक्टीरिया हो चुके हैं। यह क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।